प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महीने की सैलरी कितनी है? ऑप्शन ए 2,20,000, ऑप्शन बी 1,60,000, ऑप्शन सी 1,00,000, ऑप्शन डी 1,80,000, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 1,60,000। भारत के राष्ट्रपति की एक माह की सैलरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 2,00,000, ऑप्शन बी 12,00,000, ऑप्शन सी 8,00,000, ऑप्शन डी 5,00,000। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 5,00,000। एक डीएम की मासिक वेतन कितनी होती है? ऑप्शन ए 2,00,000 से 5,00,000 तक, ऑप्शन बी 3,00,000 से 4,00,000 तक, ऑप्शन सी 1,00,000 से 1,50,000 तक, ऑप्शन डी 5,00,000 से 7,00,000 तक। आपका सही आंसर है 1,00,000 से 1,50,000 तक। इसके अलावा एक डीएम को पर्सनल बंगला यानी घर और उसके पर्सनल गाड़ी और सुरक्षा गार्ड, मेडिकल तथा दवा कराने की और फोन, इसके अलावा आदि प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं। एक मुख्यमंत्री की मासिक सैलरी कितनी होती है? आपका आंसर है पहले मुख्यमंत्रियों की एक माह की सैलरी 1,90,000 होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर एक माह की सैलरी 3,00,000 कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की एक माह की सैलरी कितनी है? ऑप्शन ए 5,30,000, ऑप्शन बी 3,65,000, ऑप्शन सी 6,80,000, ऑप्शन डी 8,50,000। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 3,65,000। भारत के मुख्यमंत्रियों में से तीसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ आते हैं।